सब्सक्राइब कीजिए इल्म ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मलिक सलीम और आप देख रहे हैं इल्म ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, जिस पे मिलती हैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड और इंटरनेट से रिलेटेड और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोज़। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को। आज की वीडियो है विंडोज़ 10 के बारे में कि विंडोज़ 10 को ऑफिशियली हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसको डाउनलोड करने का मेथड माइक्रोसॉफ्ट ने चेंज कर दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी लेटेस्ट वर्जन, जब भी हम डाउनलोड करें हमारे पास जो करंटली वर्जन चल रहा हो वो हमारे पास आना चाहिए। शुरू करते हैं इल्म की बात इल्म ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के साथ। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल पे आएंगे। यहाँ पे हम मोस्टली जो लिख के लोग सर्च करते हैं वो लिख के हम सर्च करेंगे विंडोज़ 10 बूटेबल ISO, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट लिंक है आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो ओरिजिनल लिंक है, इस पे हम क्लिक करके इस पेज पे आ जाएंगे। सही हो गया। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी डाउनलोड टूल नाउ, यानी कि ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करो जिसका नाम है मीडिया क्रिएशन टूल, और इस टूल को जब आप डाउनलोड करके उसको एक्टिव करोगे रन करोगे तो उसके बाद आपकी ये इमेज डाउनलोड होना स्टार्ट होगी। मैं आपको करके दिखा दूं। ये मेरे पास पड़ा हुआ है टूल, ये मीडिया क्रिएशन टूल के नाम से, इसको मैं ओपन करूंगा यहाँ पे। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको करेगा चेकिंग आपके सिस्टम की कि आपके सिस्टम में पहले कौन सी विंडो चल रही है, उसके बाद ये आपको नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपको प्रोवाइड करेगा, देन हम आगे जा सकते हैं। वीडियो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने विंडोज़ 10 को जो अभी रिसेंटली अपडेट आई है वो डाउनलोड करना चाह रहा था और मुझे काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, तो इस टूल की मदद से मैं उस विंडो को डाउनलोड नहीं कर पाया, क्योंकि इस टूल की मदद से जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो बहुत कम मिलती है, और जो हमारे कंट्री के अंदर तो इसको डाउनलोड करना पॉसिबल नहीं है। 6-7 घंटे सिस्टम मुसलसल चलता रहे देन हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको यहाँ से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें उसका जो विंडोज़ का वर्जन होगा वो प्रोवाइड करेगा कौन सी हम डाउनलोड करना चाहते हैं, उसके बाद इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी जिसकी स्पीड बहुत स्लो होगी। तो मैंने इंटरनेट पे कुछ सर्च की तो मुझे आइडिया हुआ कि मुझे कैसे ये विंडो डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और सबसे बेनिफिट जो है वो ये है कि आप जब भी डाउनलोड करेंगे, जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ इसकी मदद से, आप जब भी विंडो को डाउनलोड करेंगे तो आप अपडेटेड ISO ही डाउनलोड करेंगे, यानी कि आपको ये सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि अपडेट कौन सी है अपडेट कौन सी है। ये तो पता है कि अपडेट है, लेकिन ये पता नहीं होता कि हम जो विंडो यूज़ कर रहे हैं वो अपडेटेड है या नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस PC को यानी कि इस विंडो को अपग्रेड करना है या नहीं, आपने DVD या USB या ISO डाउनलोड करनी है। तो हम यहाँ पर चेक लगा के इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर वो उसने लैंग्वेज दे दी है जो कि मेरी इस विंडो की ऑलरेडी है, और एडिशन दे दिया 2010, और यहाँ पे दे दिया कितने बिट मैं करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको अनचेक करूँगा तो मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ किसी और लैंग्वेज में और 32 बिट 64 बिट में, ठीक है। तो हमें इसकी मदद से तो करनी नहीं है, इसको हम करेंगे जी क्लोज। तो जैसे ही हम इस पेज के ऊपर आएंगे तो हमें यहाँ पे राइट क्लिक करके जाना है इंस्पेक्ट एलिमेंट पे, और यहाँ पे आके जब आएंगे तो आपको आपका पेज कुछ इस तरह से मिलेगा। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, और याद रखे ये क्रोम के अंदर वर्क करेगा, तो आपने यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है इस बटन पे क्लिक करना है आपने, जो आपका ये लेआउट है ये मोबाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पे ये मोबाइल का लेआउट मिल गया। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप इजीली देख पाएँ।
ये चीज़। अच्छा अब मैं इसको करूँगा रिफ्रेश, आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया यहाँ पे एक आपको मिल रहा है कंफर्म का बटन। मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ, ये आपको कंफर्म का बटन मिल रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से सिलेक्ट करें आपको क्या चाहिए। ये जो आपको नज़र आ रहा है सिलेक्शन बार, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझसे पूछ रहा है विंडो 10 अप्रैल 2018 अपडेट चाहिए, यस हमें ये चाहिए। और उसके बाद ये नीचे है विंडोज़ 10, ये हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और दोबारा हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। जैसे ही हमने कंफर्म किया वो नीचे से पूछ रहा है जी चूज़ वन, यहाँ पे कौन सी विंडो आपको चाहिए, कौन सी लैंग्वेज में आपको विंडो चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है हम इंग्लिश में यहाँ से डाउनलोड करेंगे, इसको ढूंढ लेंगे इंग्लिश ये वाला, उसके बाद कंफर्म कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे वो दो लिंक आ गए हैं, एक 32 बिट एक 64 बिट, ठीक है। अब आपको जो यहाँ से चाहिए ना विंडो वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 32 बिट पे क्लिक करेंगे तो 32 बिट का जो IS है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और 64 बिट पे करेंगे तो 64 बिट वाला स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना। और सबसे बड़ी बात कि ये IDM के जरिए डाउनलोड होंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 32 बिट का ISO है वो मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा स्पीड आ रही है, 400 KB/s के राउंड अबाउट, 450 KB/s के हिसाब से इसकी डाउनलोडिंग हो रही है। तो इस तरह से हम विंडोज़ 10 का जो लेटेस्ट वर्जन है वो ISO बूटेबल हम डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही इजीली। आपको कोई भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बहुत ही यूज़फुल टूल है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा जो लोग विंडो 10 अपडेटेड यूज़ करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को इनवाइट कीजिएगा इस चैनल पे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।